आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप टैली प्राइम में जीएसटी के सेटिंग्स को एक्टिव कर सकते हो। और मैक्सिमम ये एक प्रॉब्लम सुनने में आता है कि हम जीएसटी को इनेबल तो कर चुके हैं, सेटिंग में एक्टिव तो कर चुके हैं, लेकिन जीएसटी यानी कि यस जीएसटी और सी जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका डाउट, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बनी रहे इस वीडियो पे, देखते रहे इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम इनामदार और आप देख रहे हैं एम्स आईटी। जब कभी आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हो तो क्रिएट करते ही स्टार्टिंग में ही टैली प्राइम के अंदर आपको जीएसटी सेटिंग पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने है, सबसे पहले यहाँ पे अकाउंटिंग पूछ रहा है, फिर इन्वेंटरी पूछ रहा है और राइट साइड में आपको यहाँ पे पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी यस। आप इसको यहाँ से यस कह के भी एक्टिव कर सकते हो, जो कि टैली प्राइम का फीचर है। या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते या फिर आप किसी वजह से भूल गए हो तो बाद में भी इसे आप इनेबल कर सकते हो। ये पहले देख लेते हैं, फिर बाद में वो वाला ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डमी एंट्री करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अकाउंटिंग की एंट्री कर रहा हूँ, अकाउंटिंग के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं इसको यस रखूँगा। और जहाँ तक इन्वेंट्री की बात है तो मैं स्टॉक को मैनेज करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे नो कहूँगा। और जैसे ही मैं जीएसटी पे आता हूँ, यहाँ पे यस पे मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आया है जो कह रहा है जीएसटी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कि मैक्सिमम बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे स्टेट आपका स्टेट होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ पे ये रेगुलर रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछेगा आपको जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये आपको ध्यान से देखना है। ये आपको ध्यान लगाना है कि जब आपने कंपनी को क्रिएट किया था उसका फाइनेंशियल ईयर आपने क्या डिक्लेयर किया है, वही डेट यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं कि कंपनी क्रिएट करते वक्त कोई और ईयर डालते हैं और यहाँ पे कोई और ईयर होता है, इस वजह से वो टैली जो है ऑटोमेटिक जीएसटी को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। तो मेरे केस में ये सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आप जीएसटीएन नंबर एंटर करोगे, मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डमी एंट्री है। यहाँ पे आप मंथली रखो, क्वार्टरली रखो, कोई बात नहीं, मैं इसको बस ब्लैंक रख रहा हूँ इसको। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, आपको यहाँ पे यस कहना है। जैसे मैं यहाँ पे एस कह के एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें टैक्स की डिटेल्स पूछ रहा है और टैक्स टाइप पूछ रहा है। अगर आपके स्क्रीन के सामने भी ये सेम दिखाई दे रहा है तो आपको अगर डिटेल्स में एंट्री करनी है, यानी कि आपका गुड्स का या सर्विस का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, आपको एस जीएसटी सी जीएसटी सब कुछ देखना है, तो आपको कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 की प्रेस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता रहा है अलाउ HSN एंड SAC डिटेल्स, इसको आपको प्रेस करना है यस। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे बॉटम में आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, तो जैसे आप इसको यस कहोगे तो आपके सामने इस तरह का डिटेल्स आपको पूछेगा जिसमें डिस्क्रिप्शन में कहेंगे प्राइमरी। यहाँ पे अगर आपको HSN यानी कि आपके सर्विस का या प्रोडक्ट का कोड पता है तो आप एंटर कर सकते हो, या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, या फिर आप कोई भी डमी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूछ रहा है एक्सेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैक्सेबल। यहाँ पे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे मैं कहूंगा जो भी आपका टैक्स है आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग जीएसटी टैक्स होता है, 18% होता है, 14 होता है, 28 होता है, आपके केस में जो भी टैक्स होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 18% मैं यहाँ पे टाइप करते जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स यानी कि CGST और स्टेट टैक्स यानी कि SGST ऑटोमेटिक 99% ले लेगा। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ब्लैंक एंटर यहाँ पे प्रेस करो और यहाँ से बाहर आ जाओ। यहाँ पे आपको कुछ चीज नहीं करने हैं, बस आपको एंटर 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 कहकर कंप्लीट करना है इस सेटिंग को। तो ये एक तरीका है जीएसटी को एक्टिव करने का। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अगर आप किसी वजह से कंपनी क्रिएट करते वक्त जीएसटी की सेटिंग वहां पर इनेबल करना भूल गए हैं या फिर आपने वहां पे नहीं किया, तो फिर आप बाद में भी कंपनी को क्रिएट करने के बाद आप जीएसटी के सेटअप को एक्टिव कर सकते हो। इस तरह से जिस किसी भी कंपनी की आपको जीएसटी को एक्टिव करना है उस कंपनी को पहले ओपन कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है अल्टर में।
जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पे बॉटम पे दिखाई देगा जीएसटी डिटेल्स। कीबोर्ड के थ्रू आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स पे आ सकते हो और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज दोबारा से खुल के आएगा जो स्टार्टिंग में आता है। यहाँ पे आपको सेम सेटिंग रखनी है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने हैं, बस आपको यहाँ पे आना है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, दोबारा से इसको यस कर लो। यस करने के बाद आप देख सकते हो सेटिंग्स यहाँ पे जो हमने पहली दी थी वही सेटिंग्स यहाँ पे हैं। इसको बस आपको एंटर प्रेस करके सेव करना है। तो देखा आपने जीएसटी को एक्टिव करना कितना आसान था। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।